सम्यक दृष्टि को सच्चे आनंद की पहचान होती है, मिथ्या दृष्टि को सच्चे सुख की पहचान ही नहीं होती। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव गरीबी में भी दुखी रहता है और अमीर हो जाए तो भी दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि इसे सुख दुख पता ही नहीं है। पहले गरीब था इसलिए अपने को दुखी मानता था, फिर पैसे वाला हो गया तो भी अपने को सुख नहीं देख पाया, क्योंकि वो पैसा होते ही अहंकार में चला गया, मान सम्मान में चला गया, अब दुनिया को कुछ दिखा दूँ कि मैं कुछ हूँ इसमें चला गया, फिर उसकी आकुलता ने घेर लिया तो वो सब फिर दुखी हो गया। अब लेकिन ये अलग बात है कि लोग उसे सुखी समझने लगे, तो वो जब बाजार में आता है तो चौड़ा हो के आता है, मंदिर में आता है थोड़ा चौड़ा हो के आता है, क्योंकि लोग उसे सुखी समझते हैं ना। अंदर से तो बेचारा बहुत खोखला है, अकेले में तो बहुत दुखी रहता है, आकुलित रहता है, क्योंकि बाहर में तो सबको दिखा देता है। नहीं समझ में है, जैसे अपन को भी कोई रोग हो, अब कोई तकलीफ चल रही हो तो बाहर में तो आगे बैठ जाओगे सबके सामने, ख्याल में है ना। जैसे किसी को कैंसर हो जाता है तो कैंसर वाला बाहर तो दिखता नहीं किसे कैंसर है, वो कैंसर अंदर है, और वो समझ लो अभी इतनी स्टेज पे नहीं है कि वो खटिया पे आ जाए, अभी वो घूम भी रहा है, लेकिन उसे वो अंदर कैंसर ही पता है। अब बाहर में कैसा स्वस्थ दिख रहा है, बाहर में बढ़िया दिख रहा, पैसा भी बहुत है, लेकिन वो कैंसर का जो महादुख है वो तो उसे अंदर चल रहा है, ख्याल में है ना। ऐसे ही अपन बाहर से भले ही भ्रम की चादर ओढ़ लेते हैं कि हम सुखी हैं और हम तो बढ़िया हैं और दुनिया में सुखी है, लेकिन हम अंदर का दुख कैसे मिटाएं, अंदर का दुख तो चल ही रहा है, वो किसको दिखा, और किसी को दिखा सकते नहीं। तुम्हारी जो कमजोरी है, जो तुम्हें दुख चल रहा है, वो तुम किसी को दिखा नहीं सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि ये जो मुझे सुखी समझ रहे हैं, और अगर मैंने इनको अपने दुख सुना दिए तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। ये लोग मुझे भ्रम से बहुत सुखी मानते हैं, नहीं समझ आए। जैसे अब पति पत्नी का झगड़ा है और आप अपनी पत्नी से बहुत परेशान और अंदर बहुत दुखी भी रहते हैं, लेकिन अब किससे कहें, क्योंकि लोग तो समझ रहे हैं कि इनका घर गृहस्थी तो बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। और अगर मैंने किसी से कहा कि मैं अपनी पत्नी से बहुत दुखी हूँ, तो ये व्यक्ति जो कल तक मुझे सुखी समझ रहा था, ये मुझे क्या समझने लगेगा कि अरे हाथी के दांत दिखाने के कुछ हैं और खाने के कुछ हैं, ये तो बहुत परेशान है, अब ये तो मैं बर्दाश्त नहीं है, ये किसी को पता चले। इसलिए ऊपर से हंसता रहता है और अंदर उस दुख की पीड़ा को सहता रहता है। ये तुम्हारी अकेली नहीं है, ये मेरी अकेली नहीं है, इस सारे जगत के जीवों की यही कहानी चलती है, ख्याल में है ना। इसलिए वो अपना दुख किसी को सुनाते नहीं, चुपचाप बने रहते हैं और बाहर से सुखी होते दिखाई देते हैं। ये तो जो हमारा कपड़े है ना, हमारा तन ढक लेता है, हमारा शरीर ढक लेता है, ख्याल में है ना। तो अपने जो शरीर की स्थिति है, अगर वो बिना कपड़ों के खड़े हो जाए, ख्याल में है ना, तो अपना शरीर देखा ना जाए, और ये कोट वोट पहन के और एकदम ऐसे करके तो एकदम ऐसा लगता है उसका में देखो साहब अच्छी अच्छी बढ़िया, ये कौन से कपड़े होते हैं जो महंगे आते हैं, ब्रांडेड, और ये पहन रखे हैं, क्या होते हैं इसको क्या बोलते हैं, अरे ये सफ़ेद वाले लीनन है ना, जिसका वो करना पड़े क्या होता है ड्राई क्लीन, हेल में है ना, जैसे उसको ऐसा पहन लेता है, और मोहल्ले वाले पड़ोस आस पड़ोस वाले मंदिर वाले बाबूजी जय जिने बाबूजी सलाम, और अंदर पेट में भयंकर तकलीफ है, अंदर समझ में आया, अंदर में बेचारे को बहुत जलन हो रही है, तकलीफ हो रही है, किसको दिखाए, किसको दिखाए कि मैं अंदर पीड़ा, बाहर ऐसे उड़ता है और अपने को सुखी मतलब सुखी मनवाता है, सुखी है नहीं। ये देखो मिथ्या दर्शन क्या है, जीव सुखी नहीं है और सारे जगत को मैं सुखी हूँ ये दिखाने की कोशिश करता है, ये मिथ्या दर्शन है। सम्यक दृष्टि वही है, जो जैसा है वो वैसा है, ख्याल में है ना, ठीक है जो है क्या दिखाना है।